हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल, आप देख रहे हैं टेक्निकल अनिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि यूट्यूब का प्रोफेशनल टाइप का लोगो आप कैसे बनाएं। जी, एक प्रोफेशनल टाइप का लोगो कैसे बनाएं, जैसे देखते हैं टेक्निकल गुरु जी और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स लोगो देख रहे हैं, उस टाइप का लोगो आप अपने एंड्रॉयड फोन से कैसे बनाएं। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और ऐसे टेक्निकल वीडियो मैं आप लोगों के लिए ट्रिक्स वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आ गए हम अपना मोबाइल स्क्रीन पे। आपको दोस्तों पिक आर्ट नाम का एक ऐप्स को इंस्टॉल करना अपने फ़ोन में और उसको स्टार्ट करना। देखिए कुछ इस तरह आएगा। देखिए इस तरह नीचे आया। यहाँ पर मैं वाइट कलर का बैकग्राउंड ले लूँगा। देखिए हम चूँकि मैंने इस तरह ले लिया है। अब यहाँ से मैं टेक्स्ट को लूँगा, जैसे हमको बनाना है टेक्निकल कन्फ्यूजन, कुछ भी नाम से बना सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि यही नाम से। देखिए मैं टी टाइप किया, इसको मौके करके सही चिन्ह पे, इसका कलर ब्लैक करके इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। देखिए इसको ज़्यादा बड़ा नहीं, आप जितना सा भी आपको लगता है कि ठीक रहे अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इतना सा जैसे रखे। उसके बाद यहाँ से इसको साइज कर एडजस्ट करके यहाँ कॉर्नर से आपको सही टिक करना है, सही टिक कर दे। देखिए दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है अभी, दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। इसलिए अब यहाँ से इसको हम थोड़ा सा कटआउट कर लेते हैं। देखिए नीचे हम जाएंगे टूल्स पे, ड्रॉ पे जाएंगे और यहाँ से स्ट्रोक यानी फील पे जाएंगे और यहाँ से ओके करेंगे। और यहाँ से फील का कलर हम वाइट कलर बैकग्राउंड कलर ले लेंगे, जिससे कि जैसे मैं कोई भी अगर पार्ट्स कट करूँ तो पूरे बैकग्राउंड में मिक्स हो जाए। देखिए इस तरह का आपको मिक्स करके कट कर लेना है, जिस तरह आपको ठीक लगे। इस तरह मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से कट। देखिए इसके बाद यहाँ से क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कहीं भी करेंगे तो जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा ही निकल रहा है। इसको दोस्तों आप अपने से आराम से बैठ के, क्योंकि शांत से एकदम धीरे से एकदम सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आराम से इसको एकदम फिट एंड फाइन उस तरह कट कीजिए। देखिए अभी रह रहा है, इसको फिर से कट करते हैं आराम से। हाँ ऐसे, हाँ ठीक। देखिए अब ये ठीक हो गया। देखिए अब इसमें एक कॉर्नर के हम दे लेते हैं साइड में। देखिए इसको हमें जस्ट इधर जो निकला हुआ है वहाँ पर मैं एक डिज़ाइन टाइप का कुछ करूँगा। देखिए क्रॉस टाइप का, देखिए वहाँ से इसको लेंगे, उसके बाद और क्रॉस और क्रॉस और नीचे थोड़ा सा कर लेंगे और थोड़ा नीचे, हाँ थोड़ा नीचे और रोटेट घूमो और थोड़ा सा नीचे और आएगा। हाँ अब ठीक है, यहाँ से देखिए इसको मैं ओके कर दूँगा, कहीं भी टैप करेंगे वहाँ पे तो उससे हो जाएगा। देखिए ये कुछ इस तरह का आ गया। इससे अब हमको कन्फ्यूजन लिखना है, तो अब इसके लिखिए टी टू पूरा फाइनल हो गया, आपको सी लिखना है। तो फिर हम यहाँ पे यहाँ से सही करके कोने में, उसके बाद फिर यहाँ टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ टेक्स्ट पे जाने के बाद फिर यहाँ से हम सी टाइप करेंगे। देखिए सी सी टाइप करना है। देखिए सी हो गया, यहाँ से डन करना है, यहाँ से डन कर। देखिए सी इस कुछ इसमें फॉन्ट आप दोस्तों अलग अलग बदल के भी कर सकते हैं, जैसे आपको जो भी डिस्ट्री टाइप का फॉन्ट ठीक लगता है उस तरह कीजिए। देखिए सी इस तरह, इसका मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ, इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं, तो इसमें मैं ऑरेंज कलर कर दूँगा नीचे और ये भी ठीक नहीं लग रहा, ये भी ठीक नहीं लग रहा, हाँ ये ठीक है, इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। जो आपका दोस्तों पहले टी जो भी साइज का दिए एक्चुअल उसी साइज को उससे मैच करके दिए, थोड़ा सा छोटा बड़ा दिए, जिसके देख रहे हो वहाँ पे कॉर्नर टाइप का है तो वो उसमें उधर टी में मैच कर जाए, तो इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बस अब इसको एडजस्ट अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा कि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ करूँगा और थोड़ा सा इधर करूँगा और थोड़ा सा नहीं ज़्यादा हो गया और थोड़ा सा नीचे आएगा। इसको आप आराम से दोस्तों बोले आराम से आप इसको कर सकते हैं, आप कहीं शांत माइंड से। उसके बाद यहाँ से इसको क्रॉप करना है, पहले आराम से फिट कर लेते हैं।
और थोड़ा सा अंदर नहीं रहा, थोड़ी इधर देखिए ये हो गया। इसको मैं कट करूँगा, देखिए वो वाला ऊपर का जो भाग आपको दिख रहा है ऊपर वो बीच में स्पेस, उसको अब हटाना है। तो यहाँ से इसको सही करके फिर यहाँ से ओके कर देना। ये बीच में कहाँ से आ गया यार, हाँ इसको ही करके उसके बाद यहाँ से इसको ही टेक्स्ट पे जाना है, उसके बाद यहाँ ड्रॉ पे, उसके बाद ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद फिर से आपको वही फील लेना, फील में फिर से आपको बैकग्राउंड कलर वाइट लेना और यहाँ से ड्रॉ करके आपको एक्चुअल जितना सा रखना उतने सब करेंगे। देखिए मैं इतना सा रख लेता, इतना सा ठीक लग रहा है। ठीक यहाँ से यहाँ तक ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ, कहीं भी टच करूँगा हो जाता है। उसके बाद यहाँ से देखिए तो इसका ऊपर और नीचे देखिए राउंड टाइप का लग रहा है, तो इसको सही करना है। तो इसको सही कैसे करें, इसको इसी तरह बैकग्राउंड पर ले जाएंगे, वाइट कलर लेके जाएंगे, इसको मैच करके वहाँ से वहाँ तक, हाँ जैसे कि वहाँ तक है, इसको वहाँ तक। अब इसमें ऊपर से भी ऊपर वाला भी इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए जिस तरह मैंने नीचे को मिलाया उसी तरह ऊपर भी कर लेता हूँ। उसके बाद वहाँ से उसको यहाँ ठीक लग रहा है, हाँ बस ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से दोस्तों इसको मैं फिर से कॉर्नर पे सही पे टिक करूँगा, हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए आपको नीचे अगर कुछ लिखना है, नाम लिखना है, तो यहाँ से आप कोई भी शेप्स ले सकते हैं, तो राउंड भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, सबको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक्चुअल तो ज़्यादा तो वही यूज होता है, उसको मैं इस तरह से ट्रैक करूँगा। उसके बाद यहाँ से इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, जो भी कलर आपको देना है। तो यहाँ पे देखिए मैं ये कलर ले लेता हूँ, हाँ इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा, हाँ बस। इसको ड्रॉ करने के बाद दोस्तों इसमें मैं फिर से सही करूँगा, देखिए इस तरह का आ गया। इसके बाद यहाँ से ड्रॉ पे जाना है, ड्रॉ से फिर इसको ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे इसको, थोड़ा सा स्टाइलिश टाइप का करेंगे। तो देखिए इस तरह का आ गया। उसके बाद यहाँ से फिर फुल वाला ले लेंगे, उसके बाद यहाँ से रोटेट करके फिर यहाँ से हाँ एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। देखिए इस तरह का एडजस्ट हो गया, इस तरह का एडजस्ट, बस बस वहीं तक ठीक है। फिर यहाँ से इसको अपने से एडजस्ट करके कट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कोना आ जाएंगे, ये कोना में फिर इस तरह से इधर से हाँ और थोड़ा इधर से साइज का है वही से करेंगे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं देना है, और थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा नहीं नहीं ज़्यादा आ गया, और थोड़ा सा इधर हाँ हो गया, अच्छा दिख रहा है, इसको हटा देंगे। उसके बाद यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं नीचे वाला थोड़ा सा, बस ये हो गया। यहाँ से आपको बस यहाँ से सही टिक करना है और यहाँ पे प्लस आइकन पे फिर से नाम ऐड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जैसे मैं अपना नाम अनिल दे देता हूँ, तो यहाँ पे टाइप करेंगे NIL, अनिल जैसे वो हो गया, डन करेंगे, डन करना इस तरह हो गया, फिर यहाँ से डन करेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह का, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, उसे कलर दे देता हूँ ब्लैक, उसका साइड एडजस्ट अच्छा से कर लेंगे, साइज ठीक हो गया। उसके बाद कलर्स का चेंज कर ले, ठीक नहीं लग रही है इससे, ये कलर ये ब्लू कलर ये ठीक लग रहा है। उसके बाद यहाँ से सही कर देंगे, यहाँ से करने के बाद अब यहाँ तुमको सो टूल्स पे जाना है और यहाँ पे सेव क्रॉप का ऑप्शन मिल रहा है, उस पर हमको क्लिक करना है। जैसे हम सेव क्रॉप से ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए इस तरफ का इंटरफेस आ गया, इसमें आप किसी भी टाइप का सेव, जैसे मैं राउंड टाइप करना होगा तो राउंड कलर राउंड ले लिया। उसके बाद यहाँ से आपको एडजस्ट करना है कैसा आपको चाहिए,
जैसे ये एडजस्ट हो गया तो थोड़ा सा ये हमको लग रहा है टेढ़ा हो गया, इसको फिर से ले लेते सर्कल, फिर से इसको एडजस्ट करते हैं। देखिए इस तरह का एडजस्ट हो गया। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से आप सही टिक पे क्लिक कीजिए, ऊपर वाला हो गया, एडजस्ट हो गया। इसमें देखिए इसमें कलर, बैकग्राउंड कलर, राउंड कलर, कोई भी जैसे बाहर का राउंड दिख रहा है इसमें कोई भी कलर कर सकते हैं, विद चौड़ाई कुछ भी दे सकते हैं। ये हो गया इस टाइप का, देखिए बन गया। अब यहाँ से मैं इसको यहाँ से सेव करूँगा, यहाँ पे वाला साइड में दिख रहा है, क्लिक करूँगा ऐड, इसको हटा देते हैं यहाँ से, फिर क्लिक करके सेव टू गैलरी। तो दोस्तों ये था। अगर आपको दोस्तों ये मेरा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।